सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर यूपी सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। आइए आपको बताते हैं नेताजी से संबंधित कुछ खास बातें। 22 नवम्बर 1939 को इटावा के सैफई में पैदा हुए मुलायम सिंह को उनके पिता सुगर सिंह पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन उनको राजनीति के अखाड़े में सफलता मिली। इटावा से ग्रेजुएशन करने के बाद राजनीति शास्त्र में एमए की पढ़ाई के लिए आगरा पहुंचे। यहीं से वे छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। उनको राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से जबरदस्त प्रेरणा मिली। 1966 में जब लोहिया के दौरे पर पहुंचे तो मुलायम सिंह यादव ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात का असर इतना ज़्यादा हुआ कि उन्हें 1967 में लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से टिकट मिल गया। वे जसवंत नगर सीट से उम्मीदवार बने और जीत हासिल की। 1967 में लोहिया के निधन के बाद सोशलिस्ट पार्टी कमजोर हो गई। नतीजा ये रहा कि मुलायम सिंह यादव को भी 1969 के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। कुछ समय बाद ही किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल यूपी में मजबूत हो रहा था। तब उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट दल को छोड़कर भारतीय क्रांति दल का दामन थाम लिया। वे 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। 1974 में इमरजेंसी से ठीक पहले चरण सिंह ने अपनी पार्टी का विलय कमजोर पड़ चुकी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ कर लिया। इसी के साथ भारतीय क्रांति दल लोक दल बन गया। ये मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर की तीसरी पार्टी रही। मुलायम ने इस पार्टी में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। इस बीच इंदिरा गांधी सरकार के दौर में देश भर में आपातकाल लगा। इसके खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहने के लिए मुलायम सिंह यादव की मीसा में गिरफ्तारी हुई। इमरजेंसी के ठीक बाद 1977 में देश में जयप्रकाश नारायण की जनता पार्टी का उभार हुआ। 1977 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी। नई सरकार में मुलायम सिंह यादव को मंत्री बनाया गया। कुछ समय बाद जनता पार्टी में भी टूट हो गई। इससे कई पार्टियां बनी। चौधरी चरण सिंह ने भी जनता पार्टी से अलग होकर जनता पार्टी सेकुलर बना ली। मुलायम सिंह भी चरण सिंह के साथ चले गए। 1980 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा था। 1980 के चुनाव के बाद चरण सिंह की जनता पार्टी सेकुलर का नाम बदलकर लोक दल कर दिया गया। 1985 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव लोक दल के टिकट पर ही जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1987 में जब चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद उनके बेटे अजीत सिंह और मुलायम में विवाद हो गया, उसके बाद लोक दल के दो टुकड़े हो गए। अजीत सिंह के नेतृत्व वाले धड़े का नाम दिया गया लोक दल अ और मुलायम सिंह के नेतृत्व वाला धड़े का नाम दिया गया लोक दल ब। 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स घोटाले को लेकर कांग्रेस से बगावत कर अलग हुए, तब विपक्षी एकता की कोशिशें फिर शुरू हो गईं। इसी के साथ एक बार फिर जनता दल का गठन हुआ। मुलायम सिंह यादव ने अपने लोक दल बा का विलय इसी जनता दल में कर लिया। इस फैसले का मुलायम को काफ़ी फायदा हुआ। वे 1989 में ही पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो मुलायम सिंह चंद्रशेखर की जनता दल समाजवादी में शामिल हो गए। अप्रैल 1991 में कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल बना। इसके बाद वे दो बार क्रमशः 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वे केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। ये पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश में सपा अपने बूते पर सरकार बनाने की स्थिति में थी। तब उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव मौजूदा समय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।